हमारे साथ हैं साइकिल मैन और दूसरी बार मंत्री बने पब्लिक, और इनके पास है हैवी मिनिस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, मिस्टर अर्जुन राम मेघवाल। सर, आपके पास जो विभाग इस बार दिया गया है, जो डिपार्टमेंट आपके पास है सर, वो सरकारी नौकरियों में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला विभाग है, तो कितना बड़ा चैलेंज आपको ये लगता है? देखिए, हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक सेक्टर का जो इंटरप्राइजेज का विषय है, इसके दो विषय अपने को समझने पड़ेंगे। रोजगार का अवसर का विषय तो है ही, और वो चैलेंज भी है। देखिए, हमने जब समीक्षा की कल विभाग में, तो ये ध्यान में आया कि भारत सरकार के कुछ टारगेट होते हैं, उनको हमें अचीव करने होते हैं, और उसी के तहत हम एक मॉनिटरिंग पॉलिसी, एक हम MOU जो होते हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट और हैवी इंडस्ट्री के बीच में, MOU जो होते हैं हमारे जॉइंट वेंचर और हैवी इंडस्ट्री के बीच में, कुछ हमारे जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं बहुत अच्छे प्रॉफिट में भी है, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, कुछ ऐसे हैं जो कम प्रॉफिट में चल रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो बंद भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बंद होने के कगार पे हैं। इन सबको हम ठीक करेंगे, और ठीक करने का विषय यही है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, जो नीति आयोग, हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट का दीपक मंत्रालय, उनसे जो निर्देश प्राप्त होते हैं, पॉलिसी आती है, उसके तहत काम किया जाएगा। और जो आपने कहा है कि रोजगार के अवसर ज़्यादा सृजित हों, अवसर ज़्यादा मिले, इसी दिशा में हम काम करेंगे। सर, एक BEML एक कंपनी है जिसका पिछली बार के टेन्योर में देख रहे थे कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट होगा, तो वो इन्वेस्टमेंट और मुश्किलें ये भी आ गई कि कर्नाटक में जो सरकार बनी वो BJP की नहीं बनी, तो सर वो क्या लगता है कि वो आने वाले 2-3 महीने के अंदर उस पर कोई फैसला देख सकते हैं? जो भी कुछ फैसला होता है ना, आपका स्ट्रेटेजिक जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमारे GOM होता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, एक होता ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, इन सबकी क्या रिकमेंडेशन है? आप जिस कंपनी का जिक्र कर रहे हैं, कर्नाटक गवर्नमेंट का क्या व्यू है, ये सब हम देख करके आपको फिर बताएंगे। जो ऑटोमोटिव भी एक डिपार्टमेंट आपके इस मिनिस्ट्री में रहेगा, ऑटो सेक्टर जो पूरा का पूरा, तो स्क्रैप पॉलिसी उसमें आनी है, और 15 साल से पुरानी जो गाड़ियां हैं वो बाहर हो जाएंगी, उस पर आपका क्या रूपरेखा होगी, वो उस पर यदि बता सकते? देखिए, ऑटो सेक्टर भी हमारे यहाँ पॉलिसी बनाने का काम हमारे यहाँ होता है, और जो विषय आप कह रहे हो, इन विषयों की हम लगातार समीक्षा, इसमें कोर्ट के डिसीजन भी बीच में आ जाते हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेशन भी बीच में आ जाते हैं, उन सबको ध्यान में रख करके आगे पॉलिसी बनेगी। सर, आप जब पिछली बार मंत्री थे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, तो GST लागू हुआ था, अब आप ऑटो की पॉलिसीज भी अब आपकी मिनिस्ट्री बनाएगी, और एक उनकी एक डिमांड है कि सर जो GST का जो लेवल है, नो डाउट सर GST ऑफ काउंसिल में हो जाएगा, 18% जो GST इस समय लग रहा है उसको कम करने की बात है, तो वो एक मुद्दा रहेगा, ये एक डिस्कशन। देखिए, GST काउंसिल में बहुत सुधार हुआ जी पिछले सालों में, आप देखेंगे 1 जुलाई 2017 से जब GST लागू हुआ, उसके बाद दरों में भी सुधार हुआ, स्लैब था उसको लेकर के भी ठीक सुधार हुआ, रिटर्न को लेकर के भी सुधार हुआ, TRU सेक्शन है एक GST का काउंसिल का, वो लगातार लोगों से इनपुट लेता रहता है और GST काउंसिल में सुधार करते हैं। ये ऑटो सेक्टर वाला विषय भी TRU सेक्शन के पास है, और इसमें निश्चित रूप से अगली जब GST काउंसिल होगी, तो जो वाजिब कंसिडरेशन है वो सब किया जाएगा। सर, आप पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री भी आपके पास है सर, कांग्रेस की 52 सीट्स आई हैं, 55 सीट शायद चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए, तो क्या इस बार भी कांग्रेस को लीडर ऑफ अपोजिशन का टैग नहीं मिल पाएगा? देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन जो हमारे रूल्स बने हुए हैं लोकसभा के संचालन के, और हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो विचार रखे हैं उसके अनुसार 10% ऑफ द टोटल सीट आने पे ही लीडर ऑफ अपोजिशन की मान्यता दी जाती है, रिकॉग्निशन ऑफ ए लीडर ऑफ अपोजिशन एक पर्टिकुलर आदमी को। पिछली बार कांग्रेस के पास 44 सीट थी, तो मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं थे, लेकिन लीडर फ्रॉम द कांग्रेस साइड इन लोकसभा थे,
इस बार भी वही स्थिति रहेगी? इस बार भी वही स्थिति रहने वाली है, वही स्थिति रहने वाली है। ये थे हमारे साथ अर्जुन राम मेघवाल, जो बता रहे थे कि इस बार भी कांग्रेस का लीडर ऑपोजिशन बन पाना काफी मुश्किल है। तरुण शर्मा, मनी कंट्रोल, दिल्ली।